अगेन हम लोग चलते हैं अपने, हाँ जी, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बड़ी तीव्र गति से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ ध्यान दोगे, इसे प्यारे से सेकंड नंबर क्वेश्चन से पूछोगे क्या क्या दिया हुआ है और हमको फाइंड क्या करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में बहुत 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 प्यारा प्यारा चीज आपको दिया हुआ है कि कोई एपी है आपके पास। हाँ जी, पहले खुद एक बार प्रयास करो ना, एक बार खुद से जो है ना आप क्वेश्चन को पहले लिख लो और क्वेश्चन को पढ़ के ये समझने का प्रयास करो हमारे प्रश्न में क्या ही दिया हुआ है और क्या पूछा गया है हमसे। सिर्फ इतना समझ जाओगे ना, ये प्रश्न आपसे यहीं पर बन जाने वाला। देखो मैं समझाता हूँ, कोई एपी है जो कि 50 टर्म्स जो है अपने अंदर रखता है, मतलब ये हमारा प्यारा सा एपी है, हमका ना पता क्या एपी है, लेकिन इसके अंदर कितना टर्म्स है भैया, इसके अंदर जो टोटल कितना टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 50 है। वाह भैया जी, ये तो क्वेश्चन कहा गया। अगेन इसी एपी का जो है तीसरा टर्म कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। इसी एपी का जो तीसरा टर्म है ना, अर्थात A3 का वैल्यू हम लोग को 12 दिया हुआ है। अरे भाई साहब, एंड लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, लास्ट टर्म जो है 106 दिया हुआ है। अच्छा, इसका लास्ट टर्म क्या होगा भैया, इसमें 50 टर्म ही है, इसका लास्ट टर्म क्या होगा, 50वां टर्म होगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे, यहाँ पर लास्ट टर्म की बात की जा रही है, इसका लास्ट टर्म क्या हो सकता, इसमें टोटल 50 टर्म ही है तो इसका लास्ट टर्म 50वां टर्म ही होगा, अर्थात A50 हम लोग को कितना दिया हुआ है, 106 दिया हुआ है। तो हमको जो है फाइंड करना है 29th टर्म फाइंड करना है हमको, अर्थात A29 ये हमको फाइंड करना है, इसका वैल्यू क्या होने वाला। सिंपल सा, इस दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, A3 इक्वल टू 12 को हम लोग लिख सकते हैं A+2D इक्वल टू 12, बिल्कुल सही। अगेन यहाँ पर A50 को हम लोग लिख सकते हैं A+49D इक्वल टू 106। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग का A और D का मान निकल जाएगा। जैसे ही A और D का वैल्यू निकलेगा वैसे हम लोग A29 आराम से निकाल सकते हैं। प्रयास करो आप, हाँ जी आप प्रयास करो, उम्मीद करते हैं आपसे बनेगा, जल्दी प्रयास करो, मैं आपके लिए रुका हुआ हूँ आपके लिए। प्रयास हो गया होगा, बस यही आपको प्रयास जारी रखना है, प्रयास करते रहो। हाँ भैया प्रयास किए कम नहीं बना वो अलग बात है, लेकिन आपको क्वेश्चन जब मैं कहता हूँ प्रयास करो, प्रयास जरूर करना है। ओके, यहाँ देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखना है, आपको मिलाना है, भले ही हम उम्मीद करते हैं पूरा नहीं बना होगा, लेकिन जरूर है आपने प्रयास किया होगा, जरूर कुछ ना कुछ कुछ स्टेप तक जरूर आप आगे बढ़े होंगे, बस हमें उससे ही मतलब है, लेकिन मैं लोभी मन हमको लगता है आप पूरा बना लिए हो। ठीक है, यहाँ देखो हम लोग को क्या ही दिया हुआ है, सबको लिखते चलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा टर्म कितना है, 12 है। हियर हमको दिया हुआ है तीसरा टर्म जो है इसका 12 दिया हुआ है। अगेन इसका लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 106। चूंकि इसमें टोटल 50 टर्म्स ही है, अर्थात यहाँ पर A50 का वैल्यू दिया हुआ है 106। इस दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करने के बाद दो इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। हाँ भैया आराम से इसको लिख सकते हैं A+2D इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं A+49D इक्वल टू 106, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, A और D का मान निकल जाएगा और हम A29 निकाल लेंगे, 29th टर्म हम लोग निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो सॉल्व करते हैं ना, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नाउ इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन सेकंड को पहले लिख लेते हैं A+49D इक्वल टू 106, ठीक है लिख लिए। अगेन फिर इक्वेशन फर्स्ट को लिखेंगे A+2D इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को, सॉल्व करते हैं, सिंबल चेंज कर लिए। जैसे सिंबल चेंज हुआ ये A कैंसल आउट हो गया, बिल्कुल कैंसल आउट हो गया। यहाँ पर 49D है, यहाँ पर 2D है, इसमें आपस में ये सॉल्व होगा। भैया D का D लिख लिए, 49 - 2 कितना हो जाएगा, सिंपल सा 47 हो जाएगा। और यहाँ पर 106 में हम लोग 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपल सा हम लोग का 4, यहाँ 9 4 हो जाने वाला। अब यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, बड़े आराम से हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो डी का वैल्यू निकाल ही लेते हैं, इतना बोल रहे हो आप तो 94 पहले से था, यहाँ पर 47 मेरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इसको बराबर किस तरह भेजेंगे तो मेरा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसल आउट हुआ, यहाँ पर रिजल्ट मेरा 2 निकल गया, बिल्कुल सही, अर्थात डी का वैल्यू 2 निकल गया। अब किसी भी इक्वेशन में हम लोग डी का मान पुट करेंगे और ए का मान निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग डी का वैल्यू पुट करेंगे, अगेन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट डी इक्वल टू 2, ये वैल्यू पुट करने वाले। तो इक्वेशन फर्स्ट को पहले लिख लें, भैया लिखिए ना, है क्या इक्वेशन फर्स्ट,
मेरे ख्याल से अगर यहां तक नहीं पहुंचे हो आप तो यहां तक पहुंचो और डी का मान यहां पर 2 पुट करो, कम से कम अब तो करो। अगर नहीं पहुंचे हो तो यहां देखो, अब आराम से हम लोग ए प्लस 2 डी का मान 2 पुट कर लिए। अब यहां इसको सॉल्व करेंगे और ए का मान हम लोग का निकल जाने वाला, बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट निकलेगा, देख करके मजा आ जाने वाला। भैया क्या ही रिजल्ट निकला है, इतना प्यारा रिजल्ट, बहुत प्यारा रिजल्ट निकला। ए का मान हम लोग का 8 निकल गया है और डी का मान हम लोग का जो है 2 निकल गया है। अब बड़े आराम से जो हम लोग को निकालना है 29th टर्म, वो हम लोग टर्म निकाल सकते हैं। यहाँ लिखना है हेंस, अतः A29 क्या होगा, A प्लस 28D हो जाएगा। बड़े आराम से A का वैल्यू 8 पुट करेंगे और 28 इंटू D का वैल्यू 2 पुट करेंगे, इसको सॉल्व किए लेंगे ना, क्या दिक्कत है। हाँ बहुत आराम से सॉल्व हो रहा है, ये 64 निकल गया ये, ठीक है। A29th टर्म जो हम लोग का 64 निकल चुका है। बस इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है इसको,